चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो क्वेश्चन है ये क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम कोई चार्ज सिस्टम बनाते हैं यानी एक ऐसा निकाय बनाते हैं जिसमें एक से ज्यादा चार्ज हो, तो उस चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो है क्या करना होता है, एक्सटर्नली वर्क करना होता है। जब भी आप कोई आवेश निकाय बनाते हो तो हमें क्या करना होता है, उसे हमें बाह्य बलों द्वारा क्या करना होता है, उस पर कार्य करना होता है। तो जो कार्य हम करते हैं, जो वर्क हम करते हैं, वो वर्क जो है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मैं डेफिनेशन पर एक बार फिर से बोलता हूं कि किसी आवेश निकाय को बनाने में बाह्य बलों द्वारा विद्युत बलों के विरुद्ध किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि द वर्क डन फॉर मेकिंग एनी चार्ज सिस्टम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यह है कि हमारे पास में क्या है, टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, पहले हमारे पास में क्या है, टू चार्ज सिस्टम यानी कि दो आवेश का निकाय। दो आवेश के निकाय का क्या मतलब हुआ कि पहले तो आपके पास एक आवेश है यहाँ पर Q1, और Q1 से a दूरी पर जो है एक दूसरा आवेश रखा गया है Q। या देखो, दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों को a डिस्टेंस पर रखा गया है। अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट, ये काम दो तरह से होगा। देखो, ये वाला सिस्टम कैसे बना हमें पहले इसको देखना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q1 यानी कि Q1 को लाने में कार्य। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे क्या चीज है कि ये तो अपना फाइनल सिस्टम है, ये तो हमारा क्या है, अंतिम निकाय है। अब आप गौर से देखो, ये जब आप इस Q1 देखो, अब ये क्या पहले ही ऐसे थे, नहीं ऐसे नहीं थे, पहले तो यहां कुछ भी नहीं था, एकदम खाली है, एकदम खाली है। और हम किसे लेके आए, Q1 को लेके आए, तो Q1 यहां आया। अब यहां पर पहले से तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कुछ और है, तो इस Q1 को लाने में हमें कोई दिक्कत हुई नहीं। भाई जैसे मान लीजिए ये चार्ज है, चार्ज को मैं यहां से यहां ले आ रहा हूं, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखो, इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, जीरो। यानी कि पहले वाले आवेश को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें जीरो वर्क करना होगा। कितना कार्य करना होगा हमें, जीरो। अब देखो, अब ये वाला Q1 यहां है, अब इस Q1 अगर यहां पर है तो फिर Q2 को लाने में कार्य, हमें ही बताना है कि Q2 को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q2, यानी Q2 को लाने में कितना वर्क करना है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक चार्ज मौजूद है Q1, यहां पे Q1 मौजूद है। अब आपको क्या करना है कि यहां पर क्या करना है, Q2 चार्ज को लाना है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब लाना है मतलब कहां से लाना है, हमें लाना है इनफाइनाइट से। कहां से लाना है, इनफाइनाइट से यानी कि अनंत से। तो एक क्वेश्चन, अब अनंत से हमें अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अब पहले आप गौर समझना कि देखो विभव क्या था, पोटेंशियल क्या था। पोटेंशियल क्या था कि भाई अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो अपने को वर्क करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो देखो, वन के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल के बराबर, विभव के बराबर। तो Q2 चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखो एक के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, एक के लिए हमें काम करना पड़ता है वी। और देखो, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं ए बी बोल देता हूं, ये है ए। देखो ये वी ए है, और ए के कारण विभव कितनी दूरी पर, ए दूरी पर। इस कैपिटल ए के कारण, इस आवेश को मैंने ए बोल दिया, इस कैपिटल ए आवेश के कारण बी बिंदु पर, यानी यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इसको मैं दिख रहा हूं, वी ए मतलब ए के कारण, और कितनी दूरी पर, ए दूरी के कारण।
ये तो जो वर्क है किसके लिए है, एक कुलाम के लिए। ये वाला जो कार्य है किसके लिए, एक कुलाम के लिए, लेकिन आप इस कितना लेके आए हो, Q2, तो ये कितना हो गया Q2। ठीक है, अब अगर ये वाला चार्ज है Q1, इससे एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, KQ1 upon A, KQ upon R, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल यानी कि विभव का। तो Q1 चार्ज है, A डिस्टेंस, KQ1 upon A into क्या हो गया Q, यानी ये कितना आ गया KQ1 Q2 upon A। तो देखो नेट वर्क कितना हो गया, एक तो W1 plus W, एक तो इसको लाने में वर्क करना पड़ा, इसको लाने में वर्क करना पड़ा, नेट ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा W1 plus W2। आप ऐड करो, ये तो जीरो है तो जीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया, W2 की वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा से ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 upon A। ये हमारा क्या हो गया, K Q1 Q2 upon A। तो देखो ये क्या हो गई हमारी इस सिस्टम की, अगर आप देखो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया यानी कार्य हो गया। अब जो हमारा वर्क होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जितना हमें वर्क करना होगा वो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो देखो जो हमारा वर्क है UW1 plus W2, तो यही क्या हो जाएगी, यानी कि K Q1 Q2 upon A, यही क्या हो गई हमारी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो भी सिस्टम बनाना है जितना वर्क कैलकुलेट कर वर्क करना पड़ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसे क्या कर देंगे, यू के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो टू चार्ज सिस्टम हुआ। अब हम और देखते हैं, जैसे मान लीजिए थ्री चार्ज सिस्टम होता है, यानी कि अगर हमारे पास कितने आवेश हो जाए, 3, तो देखो कैसे करेंगे, करना यही 1 by 1 क्या करेंगे, उनको लाने में वर्क करेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमारे पास थ्री चार्ज सिस्टम, ठीक है, ये Q1, ये Q2, ये हमारा Q3। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R2 3, इसको मैं बोल देता हूँ R3 1, और इसको मैं बोल देता हूँ R1 2, 1 2 2 3 और 3 1, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम को बनाने में वर्क, तो देखो सबसे पहले हम किसे लाएंगे, सबसे पहले हम ला रहे हैं Q1 को। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे कि वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q1, यानी कि Q1 को लाने में कार्य। देखो जब आप Q1 को लेके आ रहे हो फ्रेंड्स, तब हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यानी सीधा का सीधा Q1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और बैठ गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे अपने कितना वर्क करना पड़ा, जीरो वर्क, कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड क्या है कि वर्क डन किसको लाने में, Q2 को, यानी कि Q2 को लाने में कितना वर्क। अब देखो ये वाला Q1 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, आप Q2 को कहाँ लेके आ रहे हो, यहाँ लेके आ रहे हो, ये डिस्टेंस कितनी है R12, तो देखो ये तो यहाँ पर था, तो अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो देखो वर्क W2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो सीधा याद रखेंगे K, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R1, यही हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे एक तीसरा आवेश और है Q3, तो देखो Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो जब आप Q3 को लेके आ रहे हो तो हमारा Q1 यहाँ बैठा है, Q2 यहाँ बैठा है, ठीक है, ये डिस्टेंस है R31, यहाँ पे मेरा Q3 आएगा और ये डिस्टेंस है मेरी R23, यहाँ पे Q3 आएगा। अब आप गौर करना, देखो जब आप इसको ला रहे हो तो ये वाला भी जो है इसके लिए, देखो इसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो देखो W3 क्या है, सबसे पहले देखो इसके कारण कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके कारण वर्क करे तो ये क्या हो जाएगा, KQ1 किसको लाए यहाँ पर, Q3 को, और अपॉन क्या हो गया, कितनी डिस्टेंस है R3, प्लस इसके कारण कितना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 upon R2, ठीक है। तो देखो ये हमारे क्या हो गए, W1 plus W2 plus W3, तो देखो तीन ही चार्ज है और तो चार्ज है नहीं, तो देखो W क्या हो जाएगा, W1 plus W2 plus W3, और इसको अपन क्या बोल देंगे, U, यानी कि ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क, यानी कि इस कार्य इन तीनों कार्य को जब आप ऐड कर दोगे तो जो भी टोटल वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन इन सारे के सारे चार्जेस के लिए हमें इस काम को रिपीट करना होता है। तो ये यहाँ तक थ्योरी है। अब इसके बाद जो है
आप होमवर्क करेंगे। पहला होमवर्क जो आप करेंगे वो क्या करेंगे कि जो भी स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है, तो वर्ग के चारों कोनों पर यानी कि कोई भी एक स्क्वायर है उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज देखो, साइड सबकी ए है और यहां चार्ज है क्यू, ये भी चार्ज है क्यू, ये भी चार्ज है क्यू, ये भी चार्ज है क्यू। इसकी क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आप क्या करोगे कि एक क्यूब लोगे यानी कि एक घन लोगे और घन के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर यानी जितने भी 8 कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स के ऊपर आप क्या करोगे अलग अलग चार्ज स्ट्रिप रखोगे, सारे के सारे चार्ज इक्वल रखना और क्या करना उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर ही बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम क्या देखेंगे डाइपोल यानी कि द्विध्रुव के कारण देखेंगे। ठीक है, तो आज ये वाला थ्योरी और ये वाले होमवर्क जो है आपको कंप्लीट करना।